यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमसाध्यशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्दनमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रथम अध्याय में श्वेताश्वतर ऋषि ने ध्यान निर्मथन के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार की बात कही। दूसरे अध्याय में उसकी प्रक्रिया बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रारंभ में चार पांच मंत्रों में सवित्रा सविति सविता यानी सूर्य देवता की प्रार्थना का महत्व, उनकी कृपा, उनकी आज्ञा अनुज्ञा प्राप्त करने का जो महत्व है वह बताया था। और इस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उपनिषदों में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जिसमें देवताओं से प्रार्थना की है। ब्रह्मा वरुण इत्यादि जितने देवता हैं वो स्वस्ति न इंद्रो विद्रश्वा स्वस्ति न कूषा विश्ववेदा स्वस्ति नष्टाक्षो अरिष्टनेमी ये अरिष्टनेमी विश्ववेदा इत्यादि जितने देवता हैं वो हम पर प्रसन्न होवें, ऐसी वहाँ पर सर्वत्र चर्चा की गई है। इसका उद्देश्य है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आदि दैविक जो शक्तियाँ हैं वे अनुकूल हो जावे, हम ध्यान करने का प्रयत्न करें और तूफान चलने लग जावे तो ध्यान कैसे करेंगे। हम ध्यान करने लगे और कहीं अग्नि आग लग जाए, बहुत ज़्यादा वर्षा होने लग जावे तो इनसे भी बाधा होती है। तो ये प्रार्थना इसलिए की जाती है कि ये बाधाएं दूर होवे और हम इन प्रकृति के फोर्सेस के साथ हमारा मन भी तारतम्य प्राप्त करे। देर विल बी हार्मनी बिटवीन द फोर्सेस ऑफ नेचर एंड अवर सेल्फ। तो इसके लिए ये चीज इम्पोर्टेंट से बात बताई गई है। और उसके बाद में हमने पिछली बार देखा था, प्रारंभ किया गया है एक स्थान में, अच्छे स्थान में प्रार्थना करने के बाद में एक स्थान में बैठकर ध्यान करना है। तो उसमें आठवें मंत्र का हमने पाठ पिछली बार किया था। त्रिरुन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदेन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश ब्रह्मोडुपेना प्रतरेत विद्वान श्रोतांस सर्वाणि भयावहानि। बैठना कैसे है? सीधे बैठना। त्रि उन्नतम गर्दन सिर और सीना एक लाइन में होना चाहिए, सिर ग्रीवा वक्षस्थल ये तीनों एक लाइन में ऊंचे रहें और सम रहें, टेढ़ा नहीं, बहुत इधर खींचा हुआ नहीं। और हृदय में मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को खींच लेवें। और उसके बाद में ब्रह्म उडुप ब्रह्म रूपी नौका, यहाँ पर ओंकार ओंकार रूपी नौका की सहायता से
संपूर्ण भयामक जल प्रवाहों को पार हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद ने अपने राजयोग में प्रारंभ में पतंजलि योग सूत्र पर व्याख्या करने के पहले कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिए। वहां पर भी वे कहते हैं कि सबसे पहले हमें सीधे बैठना, और स्वामी विवेकानंद तो इसके संबंध में और भी जोर से बात कहते हैं, एक फोर्सफुली कहते हैं। वे कहते हैं शरीर के तीन भाग वक्ष, ग्रीवा, गर्दन और मस्तक सदा एक रेखा में रहेंगे। वो कहते हैं कि अगर थोड़ा सा अभ्यास करने से श्वास प्रश्वास आसान हो जाएगा, इसके बाद स्नायुओं को वशीभूत करने का प्रयत्न करना होगा। पहले वह कहते हैं, यहाँ तक कि अन्य स्थान पर यह भी उन्होंने कहा है कि यह जो गलत बैठना है, शरीर को हम सीधा रखते हैं, यह बड़ा हानिकारक है। वे यहाँ तक कहते हैं कि इस प्रकार अगर आप गलत बैठोगे तो वह हानिकारक। तो यहाँ पर भी यह कहा गया कि त्रिरुन्नतम, तीनों को खड़ा सीधा रखो, और उसके बाद में अगले मंत्र में प्राणायाम की विस्तृत व्याख्या है। उसका जो संबंध भाष्य है, नवा मंत्र जो हम पाठ करेंगे, उसके पहले शंकराचार्य ने एक विस्तृत व्याख्या की, उसको हम पढ़ रहे थे। वो कहते हैं कि अभीष्ट आसनों का यदि विधिवत अभ्यास करे, और जिस अभ्यास आसन का अभ्यास हो उससे बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करे। विभिन्न आसन है, हम लोग सुखासन में बैठते हैं, कुछ लोग पद्मासन में बैठते हैं, कुछ लोग वज्रासन में बैठते हैं, कुछ लोग सिद्धासन में बैठते हैं, विभिन्न प्रकार के आसन है, कुछ अर्ध पद्मासन में बैठते हैं। जिस आसन में आपको सुविधा हो उस आसन में पहले बैठिए। जिस ऐसा आसन जिसमें आपको कष्ट न होवे और स्थिर होकर बैठ सके। योग सूत्र में आसन की परिभाषा है स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर होवे और सुखदायक होवे। आप ऐसे बैठे और पैर में कष्ट हो रहा है, पैर सुन्न पड़ रहा है, ऐसा नहीं। इसके पास बैठने के बाद में उसके बाद प्राणायाम करना है। और प्राणायाम के लिए यहाँ पर कहा, आगे कहा है, कोमल आसन पर कुशा मृग चर्म बिछा कर, और उसके ऊपर जैसा गीता में कहा गया है उसके ऊपर एक रेशम का कपड़ा, हम लोग आजकल कुशन छोटा सा नरम यूज कर लिया जिसे कष्ट न होवे, और उसके बाद मोदक आदि से नैवेद्य द्वारा गणेश जी का पूजन करें। मनी मन या तो पूजन करें या कुछ थोड़ा सा छोटा सा रिचुअल कर लिया, उसके बाद में समग्री व शिवा सम्यक संवृत्तस्य सुनिश्चलः प्राण मुखो उदन मुखो वापि नासाग्रस्त लोचन अतिभुक्तम अभिभुक्तम च वर्जयित्वा प्रयत्नतः नाड़ी संशोधनम कुर्यात् उक्त मार्गेण यत्नतः। संक्षेप में बड़ा सुंदर बता दिया यहाँ पर क्या कहेगा। सीधे बैठ जाएंगे और उसके बाद में सम्यक संवृत्त आस्य सुनिश्चलम, पतले कपड़े से कहते हैं कि चेहरे को ढक ले जिसे मच्छर मक्खी इत्यादि न आए, कोई धूला इत्यादि आपके चेहरे पर न डले। उसके बाद में नासाग्र पर दृष्टि निबद्ध कर ले। स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि अगर आप जो ऑप्टिक नर्व अपने ये आँख की जो मसल्स हैं उनको अगर आप कंट्रोल कर ले दें और यहाँ पर नासाग्र पर अगर नेत्र लगा दें तो यह आपको ध्यान में सहायक होता है, मन को कंट्रोल करने में यह मदद करता है। फिर कहते हैं उत्तर या पूर्व की ओर दिशा मुख करके बैठे हैं। उत्तर की दिशा की ओर
क्योंकि इसका एक एक्सप्लेनेशन ये दिया गया है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर जो नीचे जो मैग्नेट कहते हैं ना कि हमारे पृथ्वी में मैग्नेट है, वो तो वह उसके अनुसार और जो पृथ्वी घूमती है वो उत्तर पूर्व नहीं है, ये पृथ्वी का मैग्नेट है, इसलिए कहा गया है कि उसके लिए उत्तर की दिशा की ओर मुंह करके बैठना ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक जो करंट्स है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में जाते हैं, इसलिए या तो उत्तर की ओर दिशा करके बैठे या पूर्व की दिशा की ओर बैठे, क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूम रही है, पूर्व की दिशा की ओर घूम रही है, इसलिए सूर्योदय हमें पूर्व से होता दिखाई देता है, इसलिए पूर्व की ओर दिशा करके मुंह करके बैठना चाहिए। या फिर जहां पर भी जिस ओर किसी देवी देवता का चित्र रखा हुआ, इसको बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, जिसे अगर आपने जैसे यहाँ पर आश्रम में श्री राम कृष्ण का चित्र यह उत्तर दिशा के लिए मुंह करके हुआ है, हम उनके सामने मुंह करके बैठ रहे हैं। मुसलमान लोग काबा की ओर मुंह करके बैठते हैं, भारत में तो उनका मुंह पश्चिम में हो जाता है, अगर कोई मुसलमान अमेरिका में रहेगा तो उसका मुंह पूर्व की ओर हो जाए। जो भी हो, किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर कहा कि अगर वो दीवाने इत्यादि नहीं हो गए तो उत्तर और पूर्व की ओर दिशा मुंह करके बैठेंगे। फिर आगे कहते हैं अतिभुक्तम अभुक्तम च वर्जयित्वा, अति भोजनम या बिल्कुल भोजन नहीं करना इसको त्याग देवे। ये भगवान गीता में भी कहते हैं न्या अत्यश्नस्त योगोस्ति न चैकाम चैकांतम अनश्नतः युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुःखः। बहुत बिल्कुल ही भूखा रहेगा, जैसे कई लोग उपवास बहुत दो दो तीन तीन दिन के उपवास करते हैं, वह भी ठीक नहीं। भगवान गीता में उसको तामसिक जब तप कहते हैं, जिसमें अपने शरीर को और कर्षयंतं शरीरस्थं भूतग्रामं अचेतसः माम च एवान्तर, मैं अपने हमारे भीतर आत्मा भी है वो मन के माध्यम से कार्य करता है, और अगर आप बहुत भोजन नहीं करोगे बिल्कुल भूखे रहोगे तो आत्मा जो हमारी आत्मा है उसको कष्ट होगा। तो उस अति भोजनम को त्याग किया, बहुत अधिक भोजन करने से नहीं ध्यान कर सकेंगे और बिल्कुल भूखे रहेंगे तो ध्यान नहीं कर सकेंगे। आप युक्ताहार विहार, भगवान ये बात कहते हैं, और यहाँ पर भी यही बात की है वर्जयित्वा यत्न प्रयत्न पूर्वक इन दोनों को त्याग करो और उक्त मार्ग जो मार्ग बताया गया उससे नाड़ी शोधनम करो। नाड़ी शोधन का मार्ग अभी बताएंगे, इसके यहाँ पर ऑलरेडी बता चुके हैं, बाएं हाथ से दाहिने हाथ से नाक को दबाए, बाएं हाथ से अंदर लेवे, फिर बाएं दाहिने नाक को बता बाएं नाक को दबाकर दाहिने हाथ निकाले, फिर अंदर ले और फिर आने। स्वामी विवेकानंद भी इस पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि थोड़े दिन के अभ्यास से यह आसान हो जाएगा, और उसने ये कहा है कि चार या आठ मात्रा में अंदर लेना, चार या आठ मात्रा में भीतर निकालना। तो उसको आप मन ही मन काउंट कीजिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इत्यादि। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भारत में हम लोग एक दो तीन चार काउंट करने के बदले ओम 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 ओंकार को काम, ये स्वामी विवेकानंद राजयोग में इस बात को कहते हैं। वैसा करने पर देखोगे कि शरीर क्रमशः मानो साम्य भाव धारण करता रह जा रहा है, तभी समझोगे यथार्थ विश्राम क्या है। उसकी तुलना में निद्रा तो विश्राम ही नहीं है। एक बार यह विश्राम की अवस्था आने पर अतिशय थके हुए स्नायु भी शांत हो जाएंगे, और तब जानोगे कि पहले तुमने कभी यथार्थ विश्राम का सुख ही नहीं पाया। तो ये नाड़ी शुद्धि का भी एक लाभ होता है, वह स्वामी विवेकानंद अपनी कमेंट्री में बताते हैं, और यहाँ पर भी किया गया है कि पहले यह नाड़ी शुद्धि कर लेना चाहिए, यानी इसको रोकना नहीं है, सांस सांस लेना निकालना, लेना और निकालना, और कुछ मात्रा में यह व्यायाम यह प्राणायाम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद तो अपने राजयोग में कहते हैं कि अमेरिकन लोगों के लिए ये जो राजयोग की बात है, प्राणायाम की बात है, स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में कही थी,
वे वहां पर कहते हैं कि भारत में तो ये लोगों के लिए अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि बचपन से ही भारत में किसी न किसी प्रकार से, विशेषकर जो लोग गायत्री जप करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, तो उनको प्राणायाम सिखाया जाता है। तो नाड़ी शुद्धि और प्राणायाम से अधिकांश भारतीय, जब स्वामी विवेकानंद के समय की बात है, तब उससे वे अभिज्ञ थे, जानते थे उसको। इसलिए वो कहते हैं कि प्राणायाम के लिए भारतीयों के जो फेफड़े हैं वो अभ्यस्त हैं, अमेरिकन के लिए ये नहीं है। आज के जमाने में वो परंपरा बदल गई है। प्रसन्नता है कि वामदेव जी उसको पुनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सच पूछा जाए तो थोड़ी मात्रा में प्राणायाम करने से शरीर और मन के लिए काफी अच्छा रहता है। उसका आध्यात्मिक पक्ष छोड़ दीजिए, शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर और मन प्रसन्न रहे, सामने रहे, स्थिरता रहे, उसके लिए यह प्राणायाम करना चाहिए। और यह आवश्यक भी है, अगर गहरा ध्यान अगर हम करना चाहेंगे तो थोड़ा प्राणायाम उसके लिए आवश्यक। तो उसके लिए उन्होंने एक कंडीशन बताई। उसके बाद में कहते हैं कि नासाग्रे शशकृत बीजम चंद्र ताप विना सीमिता नितम सप्त वर्ग इत्यादि करके यहाँ कहते हैं क्या करना है कि वो नासाग्र के ऊपर दृष्टि को निक्षिप्त करना, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इसमें थोड़ा सा और विस्तार से किया कि वहां पर रम या ठम ऐसे मंत्र को यहाँ पर कल्पना कीजिए, और इसके बाद में ईड़ा या बाई नाड़ी के द्वारा द्वादश मात्रा क्रम से बाह्य वायु को भीतर कीजिए। 12 मात्रा से सांस अंदर लेना है, और उसके बाद में धीरे धीरे दाहिनी नाड़ी वाड़ी से निकाल देना है। उसके बाद में दाहिनी नाड़ी से खींचकर उसे धीरे धीरे बाई नाड़ी से निकाल दे। इस प्रकार से इसको बोलते हैं नाड़ी शुद्धि। यहाँ पर आगे बताया था, इस प्रकार गुरु के बताई हुई विधि से एकांत में 3-4 वर्ष या 3-4 मास तक अभ्यास करना चाहिए, दिन में प्रातःकाल, मध्यान्ह तथा सायंकाल दिन में 3 बार स्नान करें। स्नान सायंकाल में स्नान करके संध्यादि कर्मों से निवृत्त होकर 6 बार प्राणायाम करना चाहिए। एक बार लेना, निकालना, फिर लेना और निकालना, ये एक प्राणायाम हुआ। ऐसे 6 प्राणायाम प्रातःकाल, 6 प्राणायाम दोपहर को और 6 प्राणायाम संध्या को। इस प्रकार अगर करेंगे तो 3-4 महीने या 3-4 वर्ष में नाड़ी शुद्धि होगी। और नाड़ी शुद्धि से स्वामी विवेकानंद जैसा कहते हैं, शरीर हल्का होता है, प्रसन्नता होती है, हमको स्वस्थ मत प्रतीत होता है, तथा नित्य प्रति मध्य रात्रि में भी एक अभ्यास करें 4 बार। पिछली बार भी हमने देखा था, 4 बार मध्य रात्रि में भी करना है। और ऐसा करने से उसके स्पष्ट चिन्ह दिखने लगते हैं। कौन से? ये स्वामी विवेकानंद जो कहा वही यहाँ पर कहा है, शरीर का हल्कापन, कांति, जठराग्नि, भूख ज्यादा लगती है, नाद सुनाई देता है, कभी कभी नाद सुनाई देगा, ये सब नाड़ी सूचनी शुद्धि की सूचना देने वाले चिन्ह है। नाड़ी शुद्धि की शुद्धि जप करने से नहीं होती, अतः नाड़ी शुद्धि का वह है जप शुद्धि करने से नहीं होती। ये नाड़ी ये फिजिकल पार्ट है, हमारे नर्व्स जो हैं वो ठीक से रिदमिकली काम करने लग जाती है। अब आप पूछ सकते हैं कि एज ए डॉक्टर, डॉक्टर की दृष्टि से आप कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं? सच पूछा जाए तो हमारे शरीर में 2 नर्वस सिस्टम्स हैं, एक जिसको कहते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम और दूसरी होती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मैंने एक बार शायद यहाँ चार्ट बना के बताया था या नहीं बताया था मुझे याद नहीं, एक बोर्ड पर मैंने चार्ट बनाने का प्रयत्न किया था। जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम है, यानी जो हमारे कंट्रोल में है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं हाथ हिला सकूँ, हिलाऊँ या ना हिलाऊँ ये मेरे हाथ में, हमारे पैर से चलना न चलना, बोलना, ये सब मेरे हाथ में है, इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। लेकिन एक दूसरी नर्वस सिस्टम है जिसको कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मेरा फेफड़ा सांस ले रहा है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल है, किसी से ज्यादा नहीं।
हृदय पर तो मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे पेट में जो रस पैदा हो रहा है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरी इंटेस्टाइन जो है, मेरी नाड़ियां जो पेट की जो है आते, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अगर मैंने खराब खाना खा लिया और डायरिया हो गया तो मैं मल द्वार को रेक्टम को तो थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे इंटेस्टाइन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं मुंह को बंद कर सकता हूँ लेकिन उसके नीचे मेरा कंट्रोल नहीं है, उल्टी आ जाएगी उसको मैं रोक नहीं सकता, स्टमक जो है उस पर मेरा कंट्रोल नहीं। तो ये जितने भी शरीर के भीतर के विसरा है, इनको जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है, स्नायु तंत्र कंट्रोल करता है, उसको कहते हैं ऑटोनॉमिक, यानी ऑटोनॉमस जिसे कहते हैं ना। वो कोई एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होती हैं तो कहते हैं कि इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, उसको विशेष पावर दिए गए हैं, अपना प्रोस्पेक्टस वो बना सकते हैं, अपने एग्जामिनर्स वो अपने मन से कर सकते हैं, सरकार कुछ नहीं बोली। तो उसी प्रकार से ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको अपने आप काम करेगी, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन योगी चाहता है कि उसको भी कंट्रोल करे। अब इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ऊपरी, सबसे ऊपर का केंद्र है जहां से वह कंट्रोल होता है ब्रेन में, वह होता है थैलेमस। तो योगी क्या चाहता है, अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लिया जाए तो उस थैलेमस को कंट्रोल कर सकता है, और ये थैलेमस को कंट्रोल कर लिया तो मेरा भोजन खाना पीना इत्यादि जो स्वचालित क्रियाएं हो रही हैं हमारे शरीर में, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं, उसको नियंत्रित किया जा सकता। तो ये चित्त की वृत्ति को निरोध करने का दो उपाय है। एक तो मैं मन से, अपनी इच्छा से, मेरा जो मस्तिष्क में विचार चिंतन उठ रहे हैं उनको कंट्रोल करूं, जिसको हम कहते हैं हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको मैं कंट्रोल करूं, ये ध्यान के द्वारा होता है। मैं ध्यान के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करने का प्रयत्न कर रहा हूं। और दूसरी प्रक्रिया है नीचे से मैं कंट्रोल करूं, ऊपर से मैं कंट्रोल करके मन को पहले कंट्रोल करूंगा और उसके बाद में मेरी काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो भावनाएं हैं, जो थैलेमस इत्यादि में रहती है, नीचे के हिस्से में रहती है, उसको उसके साथ कंट्रोल कर देंगे। फिर योगी कहते हैं कि क्या उसको हम नीचे से कंट्रोल डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसके लिए उपाय है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना और अंत में हमारी जो वासना इत्यादि है उनको कंट्रोल करना। ये मैं कोशिश करूंगा अगली बार एक चार्ट बनाकर बनाने का बताने का प्रयत्न करूंगा। तो इसके लिए जब प्राणायाम किया जाता है, प्राण ही एक ऐसा, हम हृदय की गति को नहीं रोक सकते, हम फेफड़े मात्र को रोक सकते हैं थोड़ा सा। तो इस नाड़ी शुद्धि के माध्यम से ये श्वास प्रश्वास को नियमित करके धीरे धीरे, इसमें दोनों नर्व्स होती है, एक सांस को रोकने की और चलाने की, वेगस नर्व होती है, सिंपैथेटिक नर्व होती है और पैरासिंपैथेटिक नर्व होती है। एक सिंपैथेटिक नर्व से सांस की गति तेज होती है, पैरासिंपैथेटिक से सांस की गति कम होती है। हृदय की गति सिंपैथेटिक नर्व से तेज होती है उसके, और पैरासिंपैथेटिक से कम होती है। तो अगर मैं सांस को कंट्रोल कर सकूं तो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक ये दो प्रकार की जो नर्व्स हैं इनको मैं कंट्रोल कर लूंगा और धीरे धीरे उसके माध्यम से मैं हाइपोथैलेमस तक पहुंचूंगा। ये उसके पीछे का सिद्धांत है। तो इसके लिए कहा गया है जब इस प्रकार से करते हैं तो ये कार्य जब से नहीं होगा, ये प्राणायाम रूपी केवल एक फिजिकल एक्ट है, ये भौतिक एक्ट है, मानसिक एक्ट नहीं है, इसके माध्यम से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सबसे पहले हुई नाड़ी शुद्धि, और ये नाड़ी शुद्धि में हम धीरे धीरे अगर सांस को बराबर रिदमिक करने का प्रयत्न करेंगे तो सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्व्स के ऊपर हमारा धीरे धीरे कंट्रोल, हमारा उसके ऊपर प्रभाव वो बढ़ता चला जाएगा।
इसके बाद आगे की बात कहते हैं, इसके पश्चात रेष्ठक पूरक कुंभक क्रम से प्राणायाम करें। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं पहले नाड़ी शुद्धि करेंगे और उसके बाद में जो यहाँ पर कहा गया है वह बात कहते हैं, पहले साधना का फल देखोगे तुम्हारे मुख की कांति बदलती जा रही है, मुख की शुष्कता या कठोरता का भाव प्रदर्शित करने वाली रेखाएं दूर हो जाएंगी, मन की शांति मुख से फूट कर बाहर निकलेगी, दूसरे तुम्हारा स्वर बहुत मधुर हो जाएगा। मैंने ऐसा कोई रोगी नहीं योगी नहीं देखा जिसके गले का स्वर कर्ष कर्कश हो, कुछ महीने के अभ्यास से ही यह भाव प्रकट होने लग जाएंगे। इसके पहले प्राणायाम का कुछ दिन अभ्यास करने के बाद, इस पहले प्राणायाम का जो नाड़ी शुद्धि कही, उसके बाद में दूसरी ऊंची साधना करनी होगी, वह है जिसका यहाँ भी वर्णन है और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, कैसा है कि प्राण और अपान का संयोग होना ही प्राणायाम है, प्रणव तीन रूप है इत्यादि विस्तार से कहा गया। ये ओंकार में अ उ और म जो है उसको रेचक पूरक और कुंभक के साथ में उसको इक्वेट करने करके बताने का प्रयत्न किया गया। तो इसमें क्या करना है इसको विस्तार से उसको उसका थ्योरी बताया गया है। उसमें कहते हैं कि प्राण जो है रेचक और ये रेचक पूरक और कुंभक क्या है, सृष्टि स्थिति और पूरक जो है वह संहार रूप भी है, इसको आप छोड़ दीजिए। क्या कहते हैं, पहले षोड़श मात्रा क्रम से पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत पूरक करें, फिर खूब सावधानी से 32 मात्रा से क्रम से रेचक करें और भरे हुए गड़े के समान 64 मात्रा क्रम से मूर्ध देश में कुंभक करता हुआ वायु को निश्चल धारण करें। देखें स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि वायु नासिका से फेफड़े में धीरे धीरे सांस भरो, उसके बाद स्नायु प्रवाह मन को संयम करो, सोचो कि तुम मानो स्नायु प्रवाह को मेरु मज्जा से लेकर के से नीचे भेजकर कुंडलिन शक्ति के आधारभूत मूलाधार स्थित त्रिकोणाकृत पद्म पर जोर से आघात कर रहे हो। इसके बाद स्नायु प्रवाह को कुछ क्षण के लिए उसी जगह धारण किए रखो, तत्पश्चात कल्पना करो कि उस स्नायुविक प्रवाह को श्वास के साथ दूसरी ओर अर्थात पिंगला द्वारा ऊपर खींच रहे हो, फिर दाहिनी नासिका से वायु धीरे धीरे बाहर फेंको। अब क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि एक सांस अंदर लीजिए और सांस लीजिए तो सोचिए कि यह सांस जो जाकर हमारी जो स्नायु है जो नर्व्स है उसके माध्यम से हमारे मूलाधार में जो त्रिकोणात्मक चक्र है उस पर कुंडलिनी है उस पर यह सांस जाकर उसको आघात करके उसको कुंडलिनी जागृत करने का प्रयत्न कर रहा है, ये इमेजिनेशन कल्पना करना है। और उसके बाद में उसको बाहर निकालना है, धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। जब वो सांस अंदर ले गए तब नीचे भेज रहे हो, तब सुषुम्ना के मूल देश पर आघात कर रहे हो और उसके बाद में दाहिनी नाक द्वारा वायु को बाहर निकालो, वो अंदर लेना छोड़ना फिर अंदर लेना, जब अंदर निकला है लेना है तब ये सोचो कि वो आघात कर रहे हैं। और उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं 4 सेकंड तक वायु को पूरक करो, 16 सेकंड बंद करो और 8 सेकंड में वायु का रेचन करो। 4, 16 और 8 का प्राणायाम करना। यहाँ पर बताया है सोलह मात्रा में अंदर लेना है, 32 मात्रा में बाहर निकालना है और 64 मात्रा में कुंभक करना है। उसका 4, 16, 8 या 16, 64 और 32 रेशो एक ही है, रेशो जो है वो एक ही है। यहाँ पर बाह्य कुंभक बताया गया है और स्वामी विवेकानंद आंतर कुंभक बताते हैं। स्वामी विवेकानंद आगे और भी आंतर कुंभक की बात भी कहते हैं,
उसके बाद में वो कहते हैं तीसरे प्रकार का प्राणायाम है, धीरे धीरे भीतर श्वास खींचो, फिर कनिक कनिक तनिक भी देर की बिना धीरे धीरे वायु को बाहर निकालो और श्वास बाहर निकालने के बाद में रुद्ध करो, रोक लो। संख्या पहले की प्राणायाम जैसी है, चार मात्रा में अंदर लो, आठ मात्रा में निकालो, सोलह मात्रा में, आठ मात्रा में निकालो और सोलह मात्रा में उसको रोको, वही चार आठ सोलह, यही उसका उससे पूरक कुंभक जो है वो उसी मात्रा में 4 8 16 ये उसका वो है, उसके अनुसार करना। और स्वामी विवेकानंद स्पष्ट कहते हैं कि जो बहिर्कुंभक है वो सेफ, अंदर सांस लेके रोकना ज्यादा नहीं करना चाहिए। और मैं जानता हूँ, ऐसे डॉक्टर में बता सकता हूँ कि बाहर अंदर लेकर अगर आप करेंगे तो फेफड़े पे हानि हो सकती है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अधिक कुंभक करते थे और अंत में उनके फेफड़े नष्ट हो गए। बाहर कुंभक करने में कोई हानि नहीं है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कर सकते हैं और इतना करना है कि जितना आप सहन कर सकें। पहले नाड़ी शुद्धि तो करें, 3 महीने 4 महीने तक नाड़ी शुद्धि कर लें, उसके बाद में ये बात की जा सकती है। उसके बाद में और भी किया है, प्राण 5 कहे जाते हैं इत्यादि, इसको विस्तार से और करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसका महत्व बताते हुए कहते हैं प्राणायाम देह दोषान धारणाभीष्ट किल्बिषान प्रत्याहाराश्च संसर्गान ध्यानेनि अनीश्वर गुणान। कहते हैं प्राणायाम से शरीर के शारीरिक दोषों को भस्म करे, शरीर स्पष्ट अच्छा रहता है। धारणा से यानी एक शरीर को देश बंध चित्तस्य, अगर यहाँ पर या यहाँ पर शरीर मन को धारण करोगे तो उससे धारणा से पापों का नाश दूर होता है। प्रत्याहार संसारी विषयों से मन को हटाने से वैशेषिक संस्कार संसर्ग का अंत होता है। और ध्यान से अनिश्वर हमारे ऐसे गुण जो ईश्वर के विरुद्ध है ऐसे गुणों का से निवृत्ति होता है। फिर कहते हैं अब की फलश्रुति, कहते हैं फलश्रुति जानते हैं आप, जो कार्य किया जाए उसका क्या शुभ लक्षण शुभ प्रभाव होता है उसको कहते हैं प्राणायाम शतम स्नात्वा यह करोति दिने दिने मातृ पितृ गुरु ग्नोपि त्रिभिर वर्षे व्यपोहति। बहुत सारे पाप जो है प्राणायाम से नष्ट होते हैं। प्रतिदिन स्नान करके 100 प्राणायाम करता हो वह यदि माता पिता गुरु की हत्या करने वाला हो भी हो तो भी 3 वर्ष में उस पाप से मुक्त हो जाता है। होता है कि नहीं, कोई बात नहीं, ये इंट्रोडक्शन जो है ये हमने लिखा। अब मंत्र पढ़ते हैं आज। रामा प्राणान प्रपिड्येह संयुक्त चेतसः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छसीत दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनम् विद्वान् मनो धारयते धारयेत प्रमेत्तः। प्राणान प्रपिड्य, यह प्राणायाम के वर्जन सच पूछा जाए तो इतना वर्णन पहले ही इंट्रोडक्शन कर दिया है। अब ये छोटे से मैं कहा है साधक को क्या करेगा, साधक को चाहिए युक्त आयु संयुक्त चेष्ट, युक्त आहार अभिक आहार जो बताया, बहुत अधिक मेहनत नहीं करना, बहुत अधिक सोए नहीं रहना, बहुत अधिक खाना नहीं, बहुत अधिक भूखे नहीं रहना, युक्त आहार विहार युक्त चेष्टस्य। भगवान बुद्ध ने भी कहा था मध्यम मार्ग, बहुत कठोर नहीं करना और बहुत भोग में नहीं पड़ना, ये मध्यम मार्ग युक्त आहार विहार करता हुआ प्रामा प्राणान प्रपिड्येह प्राणों का निरोध करे। और जब क्षीणे प्राणे प्राण शक्ति यानी प्राण धारण सामर्थ्य क्षीण हो जावे, यानी इतना सामर्थ्य कर लिया कि उससे आगे अब सांस नहीं रोक सकता, प्राण इतना क्षीण हो गया कि अब इतना जोर से रोक लिया आप आगे नहीं कर सकता है, तो क्या है नासिका अरंध द्वारा उसे बाहर निकाल दे। नासिकयो उच्छसीत,
नासिका के द्वारा उसे बाहर निकालते हुए। उसके बाद फिर विद्वान क्या करेगा, दुष्ट अश्व युक्तमिव वाहनम वाहम, जिस प्रकार एक रथ है उसपे घोड़े बड़े दुष्ट है उच्चिंकर उसके सारथी के, तो क्या करता है सारथी सावधानी से उसे पकड़ता है, उसी प्रकार से वह विद्वान मनोधारयेत अप्रमत्तः, बिना सावधान होकर अप्रमत्तः, प्रमत्तः यानी प्रमाद नहीं करना, केयरलेस नहीं होता, बी केयरफुल, मन को धारण करना है केयरफुली, वी आर नॉट वेरी केयरफुल, हम लोग बहुत सारे ऐसे कार्य लापरवाही से करते हैं उसके बाद कष्ट पाते। तो कहते हैं कि जिसकी चेष्टा गीता में जो लिखा है वह बात कही, तो उसके बाद नियम के अनुसार संयत होकर जो रहता है वह संयुक्त चेष्टा है। नियम बना लीजिए जीवन में, कुछ रूल्स फॉलो कीजिए, जो रूल्स फॉलो करता है उसको कहते हैं युक्त, संयुक्त चेष्टा है। यहाँ पर जो संयुक्त शब्द चेष्ट है इसकी बात कही है, एक अभ्यास हो जाना चाहिए नियम बनाकर नियमित रूप से कार्य करने से, संयुक्त चेष्ट संयत होता है। उसके बाद प्राण शक्ति का ह्रास, यानी जब प्राण शक्ति अब नहीं रहेगी उसके बाद सांस को बाहर निकाल ले, और उसके बाद यानी वायु को रोककर धीरे धीरे नासिका से निकाले, फिर असावधान होकर मन को कंट्रोल कर, ये इसी छोटे से इस मंत्र में ये बात कही गई। अब ध्यान के लिए उपयुक्त स्थान क्या है ये बताते हैं। समय शुचो शर्करावन्नी वालुका विवर्जते शब्द जलाशयादि मनोनुकूले न चक्षु पीड़ने गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजये। समय शुचो, अब सच पूछा जाए तो इसका वर्णन प्रारंभ में करना चाहिए। गीता में कहते हैं कि वहाँ पहले आसन कैसे लगाना यह बताया, उसके बाद कैसे बैठना, स्थान पर बैठना स्वामी विवेकानंद भी करते हैं, यहाँ पर दूसरे श्लोक में कह रहा है कोई बात नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि समय समतल होना चाहिए, इरेगुलर नहीं, समय शुचो पवित्र, पवित्र स्थान हो, गंदा स्थान नहीं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ हो ऐसा गंदा स्थान नहीं, लोग कुछ वहां पर गंदगी फेंकते हो ऐसे नहीं, एक शुद्ध पवित्र स्थान होवे। शर्करा शर्करा वन्नी वालुका वर्जित, शर्करा शर्करा यानी रेत, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर बिखरे नहीं होना चाहिए। अग्नि वन्नी आग आसपास न होवे, बालू का वालू, शर्करा का अर्थ हुआ पत्थर, बालू फिसल रही है उड़ रही है धूला है वो नहीं होना चाहिए, इनसे रहित। और फिर कहते हैं छोटे छोटे पत्थरों को शर्करा कहा, और बालू यानी चूरा उसको कहा, तथा शब्द जल आश्रय, शब्द जल का आश्रय यानी उसके आसपास, शब्द यानी जहां पर आवाज हो कोलाहल हो, और उसका आश्रय क्या है बस्ती, तो लोग रहते हो माइक हो ऐसे स्थान पर कैसे ध्यान करोगे, शब्द का आश्रय। दुर्भाग्य यह है कि हमारे बहुत सारे तीर्थ आजकल शब्द और कोलाहल से भर गए, वहां पे अब शांति नहीं, ध्यान जप के लिए स्थान नहीं रहा, इसलिए लोग फिर और भी इंटीरियर में चले जाते हैं। ऐसा शांत स्थान निकालने के लिए आपको स्थान ढूंढना पड़ता है, पहले तो शहर से थोड़ा सा दूर गए कई देवालय मिल जाता था, कोई तालाब छोटा सा उसके सामने एक मंदिर बना हुआ है वो शांत रहता था, अब सब जगह कोलाहल हो गया। स्वामी भूतेश्वरानंद जी कहा करते थे कि जिन जिन स्थानों पर मैंने तपस्या की अब उन स्थानों को देखकर कष्ट होता है,
मेरा भी अनुभव है, कुछ एक दो स्थानों पर जिन पर जाकर एकांत में रहकर ध्यान जब तपस्या करते थे, अब उन स्थानों को जाकर कष्ट होता है, वो नष्ट हो गए, मकान बन गए, सब एकांत नष्ट हो गया, कोलाहल हो गया, ये सब हो गया। तो शब्द और जल, जलाशय यानी आसपास कोई बहुत बड़ा तालाब हो गए, पानी आने का मौका हो, इस प्रकार से शब्द जल और आश्रय आदि लोग बहुत सारे रहते हो, ऐसे स्थानों से शून्य आदि भी से रहित हो गए, और मन के अनुकूल कोई प्राकृतिक स्थान हो, नेत्रों को पीड़ा न देने वाला हो, मन के अनुकूल स्थान हो, वातावरण अच्छा हो, और आंखों से ऐसी कोई दृश्य ऐसा खराब देखने हो, सुंदर दृश्य हो, चक्षु पीड़ने न, चक्षु को पीड़ा देने वाला न हो, ऐसा गुहा गुहा निवात आश्रयने प्रयोजित, वायु शून्य, बहुत ज्यादा हवा नहीं चल रही, ऐसी गुफा। पुराने जमाने में लोग प्राकृतिक स्थानों पर जाकर गुफा में तपस्या करते, आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी जाते हैं देखते हैं कि स्थान में इस गुफा में किया, तो गुफा में जल से रक्षा है, वायु से रक्षा है, और गुफा पहाड़ में रहती है, वहां पे आवाज भी कम आएगा, तो गुहा इत्यादि और निवात, निवास यानी हवा नहीं चले, निवात आश्रय ने प्रयोजित, ऐसे स्थान में रहकर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो गई, जो लोग ठीक ठीक अच्छा ध्यान जब तपस्या करना चाहते हैं, उनको अच्छा स्थान मिलना अत्यंत मुश्किल। स्वामी दुनियानंद जी, हमारा जो वृंदावन, जो किशनपुर यानी देहरादून का आश्रम है, उससे करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक स्थान है, एक शिव मंदिर है छोटा सा, उसमें एक छोटी सी कुटिया थी, वहां पर रहकर स्नान तपस्या किया करते थे। अभी भी वो थोड़ा सा निर्जन है, उसके पास में एक सड़क बन गई है, तो भाव थोड़ा सा तो रोड जाने लग गई है, लेकिन फिर भी लगता है कि आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व जब उन्होंने तपस्या की थी, 100 वर्ष या 80 वर्ष पूर्व, तो वो स्थान सचमुच बहुत निर्जन रहा, छोटी सी कुटिया, उसमें बहुत अच्छा स्थान रहा। लेकिन आजकल ऐसे स्थान पाना मुश्किल है, फिर भी अगर हम चाहें तो थोड़ा सा अंदर जाकर ऐसे स्थान मिल सकते हैं। बनारस में वाराणसी सेवाश्रम में मैं जब रहता था, तो उसके पास में ही है जैन मंदिर था, पार्श्वनाथ जन्मस्थान, जैन तीर्थंकर, 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, अंतिम तीर्थंकर है भगवान महावीर, और उसके पहले के 23 तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्मस्थान है, तो महान जैन तीर्थ है। वहाँ छोटा सा मंदिर था, वो शहर के बिल्कुल बीच में, आश्रम से कई 15-20 मिनट का वॉक, लेकिन उसकी बनावट ऐसी थी, पीछे बहुत बड़ी एक दीवार थी, कोई एक दूसरा एक विजयनगर में बहुत बड़ा कैंपस था, तो बहुत बड़ी दीवार एक तरफ और डेढ़ तरफ दीवार थी, और पीछे एक नई कॉलोनी आ गई थी, तो उसमें वहां से आवाज नहीं आता था, तो बड़ी दीवार बनी हुई थी, आगे एक दीवार थी, उसमें मकान बने हुए थे, उसके बाद एक कैंप, एक मैदान, उसके बाद एक फिर दीवार, तो आवाज ज्यादा नहीं आता, अंदर जाते ही लगता था कि शांत, हम अलग आ गए। वहां जाकर हम लोग ध्यान जप इत्यादि किया करते थे, अब वो भी नष्ट, वो सब टूट गया है, नई धर्मशाला बन गई है, क्या बन गया वो स्थान। तो अगर हम चाहें तो थोड़ा प्रयत्न करके ऐसे स्थान मिल सकते हैं। कभी कभी ईयर प्लग लगाना पड़ते हैं आजकल के जमाने में, क्योंकि आवाज, साउंड पोल्यूशन इतना हो गया है। वैसे अगर आप ही हमारा आश्रम का श्राइन देखिए, बहुत अच्छा स्थान, बहुत एकांत, बहुत क्वाइट, शांत है। इस प्रकार अगर हम खोजें तो कुछ अच्छे अच्छे स्थान हमको
नगर के भीतर भी मिल सकते हैं, जहाँ पर हम बैठकर जाटकर ध्यान जप इत्यादि कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्थान का वर्णन किया गया। इसके बाद में अगले मंत्र में इदानीं योगम अभ्यस्यतो अभिव्यक्ति चिन्हानि वक्षन्ते निहार इत्यादि न। इसके बाद कहते हैं कि योग में जो अभ्यास करने वे जिसने जिसका यदि योगा अभ्यास हो जावे योगाभ्यासी को, तो उसमें उसको कुछ लक्षण क्या प्रकट होते हैं ब्रह्म अभिव्यक्ति के, यानी वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसके कुछ लक्षण इत्यादि बताए गए। निहार धूमार कनिलानलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपानि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणि योगे। योगाभ्यास ब्रह्म अभिव्यक्ति कराणि योगे, योग में अगर आप प्रगति करेंगे आरंभ करेंगे तो आपको निहार, निहार यानी कोहरा मिस्ट, धूम यानी धुआं, सूर्य वायु अग्नि खद्योत जुगनु विद्युत बिजली की चमक स्फटिक मणि चंद्रमा, इनके रूप ब्रह्म की अभिव्यक्ति कराने वाले होते हैं, ये कुछ कुछ दर्शन होते हैं। इस पर अधिक व्याख्या नहीं है, कभी ऐसा दिखे कभी यह दिखे। निहार तुषार कुहरे को कहते हैं। आगे कहते हैं तत् तद्वत् प्राणे समाचित्त वृत्ति ही, यानी प्राणों के सहित चित्त वृत्ति कोहरे के समान प्रवृत्त होने लगती है, अर्थात अभ्यास काल में मनोवृत्ति के सामने कोहरा छा जाता है। अभ्यास करने पर मन जो है उस पे विचार नहीं उठते, मानो वह कोहरे से आवृत हो जाता है। मन जैसे बराबर स्पष्ट रूप से विचार उठ रहे हैं वो नहीं उठते, ये मन के ऊपर मानो कोहरा जैसा छा जाता है। ततो धूम इव आभासी, इसके बाद धुएं जैसा दिखने लगता है। ततो अर्कवत ततो वायु रिव आभासी, इस पर शंकराचार्य ने अधिक व्याख्या नहीं की। और सच पूछा जाए ये तो अनुभव की बातें हैं, और कोई गुरु के निर्देश के अनुसार जो योग करता है उसको उसके अनुसार उसके मार्गदर्शन में करने पर कुछ ये बातें आ सकती हैं, वो बता सकेगा कि ये केवल हेलुसिनेशन है, केवल भ्रम है या सच्चा है इत्यादि। उसके बाद ततो वन्नीरिव उष्णो वायु प्रकाश दहन प्रवर्तते, फिर सूर्यवत उसके पश्चात वायु, उसके बाद वायु अग्नि के समान अत्यंत उष्ण एवं प्रकाश और दाह करने वाला जान पड़ता है। वायु ऐसा लगता है मानो जल रहा है। श्री रामकृष्ण के जीवन में कई घटनाएं आती है, उनका शरीर में दाह अग्नि जैसी खूब जलने लगी थी जब वह भक्ति शास्त्र का साधना कर रहे थे। उसके बाद में तथा बाह्य वायु के समान अत्यंत क्षुभित होकर बड़वा अग्नि जो है सारे शरीर में ऐसी जलन होने लग जाती है। कभी जुगनो से जगमगाता हुआ आकाश दिखता रहता है, बिल्कुल जैसे जुगनु बहुत सारे चमक रहे हैं ऐसा दिखता है। कभी विद्युत के समान तेजोमयी वस्तु दिखाई देती है, कभी स्फटिक का आकार दिख पड़ता है, कभी पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है। ये सब रूप जो ब्रह्मांड संधान के प्रयोजन से योग के अभ्यास करते हैं उनको दिखता है। इसके पश्चात परम योग की सिद्धि होती है। यह सब स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आपको कई चीजें दिखाई देंगी, दे आर माइलस्टोन्स, उसको आपने अंतिम चीज नहीं करना है, ये माइलस्टोन्स है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रह जाना है। मेरा सुझाव है कि आप लोग स्वामी विवेकानंद का राजयोग में जो प्रारंभ है प्रत्याहार इत्यादि के जो चैप्टर्स हैं उनको आप देख ले। उसके बाद में अगले जो दो श्लोक हैं
ये जो है वो एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बताए गए, ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस, यानी दिखता क्या है, अनुभव क्या होता है, अग्नि का अनुभव होता है, इत्यादि दिखाया गया। उसके बाद में अगले दो श्लोकों में और भी उसके शरीर में क्या लक्षण आते हैं, उसका शरीर हल्का हो जाता है, रोग रहित हो जाता है, विषयाशक्ति की निवृत्ति हो जाती है, शरीर की कांति बढ़ जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, इत्यादि की वर्णन, इसका वर्णन हम अगली बार देखने का प्रयत्न करेंगे। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।